हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, 3 सितंबर को एनडीए 2023 का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इसके अंदर पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, क्या लेवल था पेपर का, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगले 10 मिनट मुझे दे दीजिए। और जो बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जो बच्चों को लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उनके लोग क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, इसको शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए 2023-2 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे लेवल ऑफ पेपर। तो लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो भाई मैं बता दूं आपको, मॉडरेट लेवल का पेपर ही एक्चुअल में आता है। अब तक इतने सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, इतने सारे बैचेज मैंने पढ़ा दिए ऑफलाइन ऑनलाइन, और इतने लाखों बच्चों को पढ़ा दिया एनडीए के। पेपर का जो लेवल होता है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, ठीक है ना। मतलब सारे ही पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जब डिफिकल्ट होते हैं तो उस पेपर को हम कहते हैं हार्ड लेवल का पेपर आया भाई। जैसे मान लो 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन मान लो मुश्किल आ जाते हैं तो बोला जाता है कि भाई पेपर का लेवल बड़ा डिफिकल्ट था। एक्चुअली देखा जाए ना, हर पेपर में इतने साल हो गए, पेपर में 70-75 क्वेश्चन तो एक्चुअली ईजी देखे। तो पेपर का लेवल इसमें मैं मॉडरेट लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, लाइक बाइनोमियल थ्योरम का स्टैट के साथ कनेक्शन बिठाना, एक आधा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन, टोटल मिला के 7-8 क्वेश्चन मैंने देखे ठीक लेवल के थे, ठीक थे। इसके अलावा पेपर में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो अपने हिसाब से बता रहे हो ना, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताओ ना। तो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने एक्चुअल में तैयारी करी होगी वो समझ गया होगा कि भाई पेपर का लेवल इतना नहीं था, आराम से 70-75 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90-90 क्वेश्चन भी करे हैं, 220 मार्क्स लाने वाले, 230 मार्क्स लाने वाले भी मेरे स्टूडेंट हैं जिनके कॉल आए हैं। 2016 के अंदर एक बार पेपर आया था, थोड़ा सा लेवल ठीक था, उसकी भी हाइप बना दी गई। 2016 का पेपर मुश्किल आया, 2016 का पेपर मुश्किल आया क्योंकि उसकी कट ऑफ गिर गई 229, ओवरऑल कट ऑफ 229, 20% गई थी कट ऑफ सेक्शनल। तो कहने का मतलब यह है उस टाइम पे भी जो पेपर आया था उसमें कुछ क्वेश्चन थे हार्ड, लेकिन हाइप बनाने की वजह से उसको मुश्किल कहा गया था। अगर आप 2016 का पेपर देखोगे ना, उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन और कैलकुलस के क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलेंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर इजी था। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कितने आए और कितने चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए इस बार। भाई यूपीएससी ये वेरिएशन तो डालेगा ही यार, ठीक है ना, यूपीएससी वेरिएशन तो डालेगा ही। आपको पता है 4-5 सेक्शन में डिवाइड होता है अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, 2D, 3D एंड प्रोबेबिलिटी सेट्स। कैलकुलस और अलजेब्रा से हमेशा 30-32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कैलकुलस और अलजेब्रा ही अकेला ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन देता है। तो 30-32 क्वेश्चन के आसपास दोनों से पूछे गए, 30-32 यहाँ से, 30-32 यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री से इस बार क्वेश्चन कम आए, मात्र 13 क्वेश्चन आए। 2D 3D से हमेशा 16 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 22 क्वेश्चन डाल दिए। वेक्टर से 5, 3D से 5, स्ट्रेट लाइन से 6 क्वेश्चन आ गए, और प्रोबेबिलिटी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला से भी सब में से क्वेश्चन पूछा गया। प्रोबेबिलिटी से इस बार 13 क्वेश्चन आए और स्टैट से इस बार 7 क्वेश्चन आए। हमेशा बोला है कि 20 क्वेश्चन के आसपास आता है, और बाइनरी नंबर से इस बार क्वेश्चन नहीं आया। मेरे पास पूरा चिट्ठा है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर को अच्छे से खोल के देखा है कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं। 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, लाइक इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इट डजंट मीन कि इनइक्वालिटी यूज नहीं हुई होगी। इनइक्वालिटी एक फाउंडेशन मैथ्स का पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। कल ही हमने अग्नि बैच स्टार्ट किया है, उसके अंदर हमने इनइक्वालिटी ही स्टार्ट किया है। पेपर में कहीं ना कहीं 2 या 3 जगह पे इनइक्वालिटी का यूज हो ही जाता है। वो बात है कि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी से नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। बच्चों को लगता है इनइक्वालिटी से तो क्वेश्चन आता नहीं है, या एक ही क्वेश्चन आते हैं छोड़ जाते हैं ना। इनइक्वालिटी तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। लोगारिथम से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन लोगारिथम का यूज भी पेपर में हो रहा था, ये भी एक फाउंडेशन मैथ्स का पार्ट है। इन दोनों चैप्टर को हमेशा पहले करना चाहिए। बाइनरी नंबर से क्वेश्चन नहीं आया था, एक्सपेक्टेड था कि आएगा, मैंने बोला था बच्चों को आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में उसमें एरर था। तो इस बार मुझे था कि क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, बट कई बार हमारी भी प्रेडिक्शंस, हमारे भी एक्सपीरियंस जो हम डालते हैं कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी के पेपर हमने तो बनाना नहीं है, हम तो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं भाई ये कर लो, लेकिन फिर भी 28-30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन के बीच में मेरी कॉपी से और असाइनमेंट से फंसे हैं। थोड़ी बहुत डिजिट चेंज हो गई, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं दिखा सकता हूँ, और भी बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस से कई बार क्वेश्चन आता है, टाइम टेकिंग भी होता है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से क्वेश्चन हमेशा ही कम आता है, इस बार नहीं आया। इनडेफिनेट से क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन
ठीक है, इनडेफिनेट से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन दिया था, डेफिनेट का ठीक था क्वेश्चन। तो छह चैप्टर से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि 12 चैप्टर ऐसे हैं। अच्छा, लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से 80 से 85 क्वेश्चन का लेवल इजी था, मीडियम लेवल के क्वेश्चन 20-25 और 7-8 टाइप 7-8 क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे। ये मैं अपने नॉलेज के हिसाब से नहीं कर रहा, एक बच्चा जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करता है एनडीए उसके हिसाब से बता रहा हूं कि उसको ऐसा लगा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर कोई बच्चा पैटर्न को समझेगा यूपीएससी के, तो 12 चैप्टर मैंने बच्चों को बताए हैं कई बार एनडीए 2023 के टाइम, वन के टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, सेकंड टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि 12 चैप्टर ऐसे हैं जिससे 70 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और इस बार 74 आए। मैंने लास्ट टाइम एक अपना अभ्यास बैच भी लॉन्च किया था जिसके अंदर मैंने बच्चों को ये 12 चैप्टर करवाए थे और बच्चों को बताया था कि इन 12 चैप्टर को ही कर लेना यार, क्या दिक्कत है, इन 12 चैप्टर से ही भर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो 12 चैप्टर से अगर आप इस बात को समझो, पूरा कोर्स अभी टाइम हमारे पास 7 मंथ्स हैं, लेकिन अगर हम समझे वो 12 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर करें और हर चैप्टर के कम से कम 200-200 क्वेश्चन करें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं एक मिनट लूंगा आपका, एक बार देखिए मैंने क्या बोला था और क्या हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी 2023 की फर्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी की वीडियो थी, 30 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो थी। बहुत सारे बच्चे लास्ट के 30 दिन में कॉल करते हैं, सर एनडीए को पेपर की तैयारी करवा दो, हमें मैथ समझ नहीं आ रही। तो भाई उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, देखो मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर बताया भी हुआ है कि स्टैट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फंक्शन लिमिट कॉम्प्लेक्स सेट पीएनसी प्रोबेबिलिटी स्टैट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फंक्शन लिमिट ए ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो ओनली वन चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओनली 12 चैप्टर यू कैन डू, यू कैन क्रैक एनडीए इन 30 डेज फॉर मैथमेटिक्स, नॉट फॉर जीएडी। जीएडी की प्लानिंग आपको खुद बनानी है और एक्सपर्ट से पूछना है कि क्या करना है। तो दिस वाज 30 डेज स्ट्रेटजी, डू दिस 12 चैप्टर, और किसी को भी कोई पूछना हो इन 12 चैप्टर को कैसे किया जाए, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अब देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पेपर के अंदर ये 8 क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन आए, सेट से 2 क्वेश्चन आए, पीएनसी से 3 क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी से 13 क्वेश्चन आए, सेट से 7 क्वेश्चन आए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 12 क्वेश्चन आए, फंक्शन से 10 क्वेश्चन आए, लिमिट से 5 क्वेश्चन आए, एओडी से 4 क्वेश्चन आए और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड रेशियो से 7 क्वेश्चन आए। इसको आप ऐड करके देखिए, आपको पता चलेगा ये 12 चैप्टर हर बार की बात है, ये आज की बात नहीं है, ये यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, मानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आया, बाय उनकी तो बात भी नहीं करी ना मैंने, जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया उनसे तो कई बार नहीं आए, इनसे हमेशा आए हैं। अब एक आप बोलोगे कि सर पीएनसी से आप कहते थे 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 ही आए। अरे भाई 7 नहीं 8 क्वेश्चन आए, तुझे पता है पीएनसी से 3 क्वेश्चन तो आए अलग से, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर एक क्वेश्चन था पैराग्राफ वाला, इसमें 5 क्वेश्चन पीएनसी से रिलेटेड थे, जिसको पीएनसी आती है वही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फोड़ पाता, 8 क्वेश्चन है पीएनसी से। समझ रहे हो? इस बार तो स्टैटिस्टिक्स को कनेक्ट करा बायनोमियल थ्योरम से, ठीक है ना। तो भाई कहने का मतलब देखो, फंक्शन लिमिट और एओडी से मैंने बोला था 14 क्वेश्चन आएंगे, इस बार 18 क्वेश्चन आए। फंक्शन लिमिट और एओडी के, फंक्शन भरा हुआ था, फंक्शन का एक एक टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक कवर हुए, डोमेन का क्वेश्चन था, रेंज का क्वेश्चन था, पीरियड का क्वेश्चन था, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन था, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन था, 5 टॉपिक, टोटल 7 टॉपिक हम करवाते हैं फंक्शन में, उन 5 टॉपिक में से क्वेश्चन था और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। कहां से क्वेश्चन नहीं आया फंक्शन से? एक हमारा 1-1, 1-2 वाला मैपिंग वाला क्वेश्चन नहीं आया और हमारा एक इवन ऑड का क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज पूरा फंक्शन 10 क्वेश्चन के आसपास थे। लिमिट से मैंने हमेशा बोला 4 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 5 क्वेश्चन पूछे गए, और इसके अलावा एओडी से हमेशा मैंने बोला ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आए। टोटल मिला के फंक्शन लिमिट और एओडी आपको 14 क्वेश्चन मैंने बोलता था, 18 क्वेश्चन आप इसको काउंट करिए, 10, 2, 12, 3, 15, 3, 18, 28, 7, 35, 35 और 2, 47, 47 हो गए, 57, 57 और 5, 62, 66 और 73 क्वेश्चन के आसपास आप देख पा रहे हैं इन 12 चैप्टर से इस पेपर में पूछे गए। बट स्टूडेंट्स आर रनिंग आफ्टर व्हाट? कोर्स 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 करवा दो, बस कोर्स करके हम एनडी का पेपर फोड़ेंगे। अरे नहीं मेरे दोस्त, कोर्स नहीं, अच्छा पढ़ के एनडी का पेपर निकलेगा। ये 12 चैप्टर भी तू आज से स्टार्ट कर दे अच्छे से, लेकिन इन 12 चैप्टर के कम से कम 200-200 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इनको जरूर करना है। बट हमारे पास इतना टाइम है कि हम इन 12 चैप्टर के अलावा पूरा कोर्स भी करेंगे। तो आइए जरा वीडियो पे वापस चलते हैं, मैं जो बताना चाह रहा था बच्चों को कि क्या क्या हुआ है इस बार के पेपर में। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप समझ गए हैं, मुश्किल नहीं आता है एनडीए पेपर में, एक अच्छा आपको गाइड करने वाला बंदा, अच्छी मैथ्स पढ़ाने वाला बंदा चाहिए होता है। तो मैंने कल ही अग्नि 3.0 बैच स्टार्ट किया है, कोई बच्चा जुड़ना चाहता है अभी भी जुड़ सकता है, उस बैच में कोई भी कभी भी जुड़ सकता है, अग्नि 3.0 बैच में कोई भी कभी भी जुड़ सकता है, क्योंकि लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल होती है, ठीक है ना। मैंने कूपन कोड भी दे रखा है, बच्चों को ज्वाइन करना है कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे रखा है, कोई जुड़ना चाहता है उस नंबर से बात करना चाहता है तो कर सकता है, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है आप जुड़ सकते हो। कल हमने अपनी 2024 की जर्नी स्टार्ट कर दी है, कोई बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है।
अग्नि 3.5 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों के माइंड में इतने कुछ इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्त एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मेरे हिसाब से 330 मार्क्स तो आने चाहिए मिनिमम। सेक्शनल कट ऑफ 25 घंटे जाने वाली है, 75 मार्क्स मैथ्स के अंदर एकदम सेफ स्कोर है, उसका GAT का पेपर चेक हो जाएगा। और ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो 330 से 345 के आसपास मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बच्चा इतने मार्क्स सिक्योर कर रहा है तो वो सोच सकता है, जो 330 के आसपास स्कोर कर रहा है उसको NDA के रिटर्न की और SSB की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए दोनों एक साथ, क्योंकि बॉर्डर लाइन है। जो बच्चा 345-350 को क्रॉस कर रहा है मेरे ख्याल से वो सेफ स्कोर है, वो SSB की तैयारी कर सकता है, और जो आगे कर रहा है उसको तो कर देनी चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी कट ऑफ होनी चाहिए, बाकी देखते हैं वक्त बताएगा। और एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, दो हफ्ते में रिजल्ट आ जाना है आपके सामने, सब कुछ होगा। आंसर की आप मैच कर चुके हो, हमने पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर की दी है, वो मैंने वीडियो भी बनाई थी अपने चैनल पे, अभी लास्ट वीडियो मेरी वही थी, है ना। तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा है, UPSC के पैटर्न को समझा है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड तक देखने के बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपना एक्सपीरियंस डाला है इस वीडियो में। और कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है मेरी मैथ्स इन्फिनिटी की ऐप पे, जिसके अंदर मैं चलाता हूँ अपने पेड कोर्सेज और बेहतरीन कंटेंट देता हूँ बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं NDA और JEE की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।